खबर गाजीपुर जनपद से, जहां भारत विकास परिषद की नई शाखा भारत विकास परिषद मौनी बाबा के नाम से संचालित किया गया है, जिसके अध्यक्ष सुजीत कुमार हैं। आपको बता दें कि यह शाखा दीनहीन वंचितों व समाज के समस्तता का वातावरण सतत निरंतर हमारे देश की राष्ट्रहितकारी राजनीतिक पारिवारिक संगठन भारत विकास परिषद, जो की परम पूज्य मां भारती के सच्चे व ओजस्वी सपूत पूजनीय स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और प्रेरणा से उत्प्रोत संस्था भारत विकास परिषद मौनी बाबा का पंच संतों में एक संत ने मां गंगा के द्वारा अपने हाथों से परम पूज्य संत मौनी बाबा को आशीर्वाद स्वरूप मां गंगा ने खड़ाऊं भेंट किया था। वैसे अपने क्षेत्र के परम पूज्य देवतुल्य संत मौनी बाबा के नाम पर भारत विकास परिषद मौनी बाबा शाखा का गठन होना व उनके द्वारा क्षेत्र गाँव व नगर में जनमानस के लिए संपर्क इस शाखा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 मई शाम 5 बजे राधिका पैलेस चोचकपुर रोड नंदगंज में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शाखा के सभी सम्मानित पदाधिकारी व सदस्य आकर अपने पद को ग्रहण करेंगे और अपने दायित्व को समझेंगे। तदुपरांत आगे का कार्य भी उनको सौंपा जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता ब्रह्मानंद पेशवानी, मुख्य अतिथि डॉक्टर गजाधर प्रसाद शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण पटेल, प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय कुमार, प्रांतीय महासचिव रवि प्रकाश जायसवाल, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव प्रमोद राम त्रिपाठी गरिमा में उपस्थित होगी। युक्त जानकारी भारत विकास परिषद मौनी बाबा के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने दी है। अपना परिचय दे दें। भारत विकास परिषद मौनी बाबा शाखा नंदगंज गाजीपुर, मैं अध्यक्ष सुजीत कुमार। सर, आगामी 7 तारीख को कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आप लोग के द्वारा? 7 मई शाम को 5 बजे राधिका पैलेस नंदगंज में जितने भी सदस्य भारत विकास परिषद के बने हैं, गठन होने के बाद उनका सबका दायित्व ग्रहण समारोह उस दिन होगा। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, भारत विकास परिषद पूरे भारत में लगभग इसमें 1600 से ज़्यादा शाखा है। ये गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए और असहाय बहनें हैं हमारे भारत में, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। पर्यावरण पर, धार्मिक चीज़ों पर और शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बहनें हैं उनको हम पढ़ाने का भी काम करते हैं भारत विकास परिषद के माध्यम से। ऐसा कार्यक्रम भारत विकास परिषद ही क्यों कर रहा है? भारत विकास परिषद एक समाज सेवी संस्था है, इसमें संस्कार, समर्पण और इस तरह की तमाम इसके संविधान में लिखा हुआ है। और ये सामाजिक संगठन है, समाज के सहयोग से एक जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सेवा भाव है, इसलिए भारत विकास परिषद ये सारा कार्य कर रहा है समाज में। इस संघ में सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, भारत विकास परिषद में हर तरह, हर वर्ग, हर समाज के लोग सदस्य बन सकते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, पत्रकार बंधु भी हों या किसी भी अन्य दल में जो भी समाज का सेवा कर सकता है, इस संगठन के बैनर पर आकर समाज में काम कर सकता है। इसकी सदस्यता के लिए इसमें कुछ शुल्क हम लोगों ने निर्धारित किया है, जो हमारे प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ता हैं। जो इसमें हम लोग नंदगंज की जब शाखा खोले तो इसमें प्रांत की तरफ से जो अनुमति मिली है वो 1000 रुपया शुल्क है, जिसमें से 500 रुपये तो हमारा प्रांत में जाता है और वो प्रांत में 250 रुपये बचता है, 250 केंद्र को जाता है और 500 रुपये जो होता है वो हमारे पास रहेगा, जो हम समाज में विभिन्न तरह के काम कार्य करेंगे, ब्लड डोनेशन का कार्य करेंगे, उसके बाद में सफाई अभियान चलाएंगे, आने वाले बरसात में हम पौधे लगाएंगे, जितनी भी आप यहाँ मंदिर देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, गंगा के किनारे, नदी के किनारे, ये सब पेड़ पौधों का अभियान हमारा, हमारी संस्था चलाएगी। अच्छा सर, ये बताइए, भारत विकास परिषद में किसी भी सदस्य के साथ कोई भी अनहोनी हो जाता है तो आपका संघ किस तरह का साथ? देखिए, ये पारिवारिक एक संस्था है, ये विश्व की पहली संस्था है जहाँ पर एक परिवार को लेकर साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सदस्य बना तो मेरी धर्मपत्नी इसकी अस्थाई सदस्य बनेगी, और परिवार में जब परिवार के पारिवारिक लोग इसमें बनते तो किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसके साथ हम मिलकर तन मन धन से उसका सहयोग करते हैं और उनके साथ समर्पण भाव से काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है संघ? मुख्य उद्देश्य इसका भारत का परिषद का है कि समाज में कोई भी वंचित न रहे किसी भी